मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस सेवा दल पर भाजपा द्वारा हमला करने के बाद गुरुवार को कमलनाथ ने भोपाल में एक कार्यक्रम में कहा कि ये लोग कांग्रेस को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी से कहता हूं कि अपनी पार्टी का ऐसा एक नाम बता दीजिए जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा हो। आप अपने रिश्तेदारों का नाम बता दीजिए, अपना नाम और अपने बाप दादों का नाम तो छोड़िए, इनका कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं रहा और ये हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने आते हैं। कमलनाथ ने कहा कि हमारे देश की संस्कृति सहगुणता वाली है, यही हमारे संविधान का मूल्य है। आज इस पर हमला हो रहा है, इसका भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा? कांग्रेस सेवा दल का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश को पूरा विश्व बहुत ताजुब से देखता है कि किस प्रकार यहाँ विविधता अनेकता है कि पूरा देश एक झंडे के नीचे खड़ा रहता है। ऐसी ही मजबूती सोवियत संघ में थी, लेकिन वह बिखर गया है क्योंकि उनकी संस्कृति ऐसी नहीं थी। हमारी संस्कृति विविधता में एकता वाली है, यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसी पर अब हमला किया जा रहा है, ये लोग एनआरसी की बात करते हैं। भाजपा का पलटवार, वही भाजपा के विशिष्ट नेता व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी विरासत की राजनीति तोड़कर प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए कांग्रेस उन्हें सहन नहीं कर पा रही है। इसीलिए कभी ट्वीट कर और कभी बयानों के जरिए कांग्रेस अपनी संस्कृति और विकृति का परिचय देती है। जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस में तो नेताओं के बेटे ही नेता बनते हैं, भाजपा में ऐसा नहीं है। भाजपा में मेहनत, लगन और प्रतिभा के बदौलत लोग आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी अपने परिश्रम, मेहनत और लगन के कारण प्रधानमंत्री बने हैं। जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि एक गरीब परिवार में जन्मे मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बन गए, यही कांग्रेस का दुख है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भद्दी टिप्पणी दी है, जो दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अभी तक पहचान नहीं पाई है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है।